हेलो एवरीवन, आई एम राजीव चौहान एंड आई वेलकम यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म सो टुडे वी हैव ब्रॉट अ न्यू टॉपिक व्हिच इज करंटली इन द न्यूज दैट इज ऑयल बॉन्ड ओके सो आवर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मैडम फाइनेंस मिनिस्टर अभी रिसेंटली उन्होंने कहा कि डीजल और पेट्रोल का जो प्राइस सौ है या उससे अधिक है उसका एक बहुत बड़ा उसको हम घटा नहीं सकते नीचे नहीं कर सकते क्यों क्योंकि हमें जो यूपीए गवर्नमेंट ने किया था जो मनमोहन सिंह की सरकार ने करी थी उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है ठीक है तो उन्होंने क्या इशू किया था ऑयल बॉन्ड तो ऑयल बॉन्ड के कारण से हम प्राइस नीचे नहीं कर सकते हैं यह सरकार का स्टेटमेंट है ऑपोजिशन पार्टी कह रही है कि जो ये जो इसमें जो एलिमेंट है जो फाइनेंस मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने जो कहा है उसमें उतना तत्व नहीं है तो बीइंग ए सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हमें ये समझना बहुत ही जरूरी है इंपॉर्टेंट है हमारे लिए थॉडली कि एग्जैक्टली ऑयल बॉन्ड का मामला है क्या और ना ही ना कि सिर्फ आईएएस के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बट किसी के लिए भी ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी प्रोग्राम कोई भी पॉलिसी है वो एक आम आ, आ, जो नागरिक है उनको इम्पैक्ट करता है तो आम नागरिक को अगर इम्पैक्ट करता है तो वो क्यों इम्पैक्ट करता है उसका इम्पैक्ट कहाँ तक है ये नॉर्मल आदमी को भी समझनी चाहिए इसीलिए मैंने ये टॉपिक आज पिक किया है इसको हम बहुत ही ब्रॉड लेवल पे समझेंगे थोड़ा एनालिसिस करेंगे फैक्ट के साथ एनालिसिस करेंगे ताकि आपको सही पर्स्पेक्टिव मिले कि रियलिटी है क्या ठीक है तो ऑयल बॉन्ड समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि बॉन्ड होता क्या है ओके okay? कि बॉन्ड है क्या तब तो हम ऑयल बॉन्ड के बारे में समझ पाएंगे तो हमारा पहला स्टेप होगा कि हम यह समझें कि ऑयल बॉन्ड क्या है बॉन्ड क्या है उसके बाद हम समझेंगे ऑयल बॉन्ड उसके बाद फैक्ट एंड फिगर्स हैं जिससे कि हम आपको समझाएंगे बहुत ही इजी मैनर में कि ऑयल बॉन्ड का मामला क्या है ठीक है तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि बॉन्ड क्या होता है देखिए, कोई भी सरकार ओके okay, कोई भी सरकार हो वो बॉन्ड इश्यू करती है बॉन्ड क्या होता है एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसमें ये लिखा रहता है कि हम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो आपसे पैसा ले रही है उस पैसे के के एवज में इन ल्यू ऑफ दैट मनी वी विल बी पेइंग यू इंटरेस्ट एंड ऑन मेचोरिटी यू विल गेट द प्रिंसिपल अमाउंट इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि सरकार क्या है तो सरकार के पास बहुत टाइम पैसे नहीं होती है तो सरकार क्या इश्यू कर देते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड इश्यू कर देते तो एक पेपर होता है उस पेपर में क्या होता है लिखा रहता है यह चीज कि जो आपको मैं इंटरेस्ट भी दूंगा ठीक है और आपको मैं प्रिंसिपल अमाउंट भी दूंगा मेच्योरिटी के बाद अब मेच्योरिटी से क्या मतलब है मच्योरिटी से ये मतलब है कि उस पर एक डेट लिखा रहता है।, हो सकता है वो तीन साल बाद का डेट हो हो सकता है पांच साल बाद का 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 हो हो है साल का हो हो सकता सकता है है साल साल बाद बाद इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट कि सरकार जब फंड मार्केट से उठाती है तो इंटरेस्ट भी देती है और प्रिंसिपल अमाउंट भी देती है और मच्योरिटी पीरियड तीन पांच दस तीस कुछ भी हो सकता है ठीक है तो जब नॉर्मल समय जब चलता है जब सरकार के पास पैसा होता है तब तो बॉन्ड इश्यू करने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन सरकार के पास भी बहुत टाइम पैसे नहीं होते हैं लेकिन उन्हें काम करना होता है उनके पास कोई चॉइस नहीं है दे हैव टू वर्क तो क्या करती है है मार्केट से पैसा उठा लेती है। क्या इशू करके बॉन्ड इशू करके तो बॉन्ड पे हमने दो चीज बताया कि सरकार एक पीस ऑफ पेपर आपको देती है आपसे पैसा लेती है उस पेपर का एक सर्टेन वैल्यू होता है मान लीजिए कि एक हजार करोड़ रुपए उस पेपर का वैल्यू है और बहुत लोगों ने उन्हें खरीद लिया ठीक है अब आप हैं इन्वेस्टर तो आपने अगर इन्वेस्ट किया तो कुछ तो तो कुछ आपको प्रॉफिट प्रॉफिट होना चाहिए ना वो क्या है इंटरेस्ट रेट तो जितना लंबा समय के लिए आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं उतना अधिक आपको प्रॉफिट मिलता है जनरली देखा गया है कि जो फिक्स डिपॉजिट हम करते हैं उससे हमें थोड़ा अधिक मिलता है तो फिक्स डिपॉजिट में क्यों करेंगे तब आठ परसेंट अगर यही दे नौ परसेंट अगर बॉन्ड ही दे तो हम बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देंगे पैसा भी मेरा हंड्रेड परसेंट सिक्योर है कैसे क्योंकि सरकार आपसे पैसा उठा रही है अब सरकार तो कभी खत्म नहीं होगी ना आज बीजेपी की है कल हो सकता है किसी और की हो प्राइम मिनिस्टर कीप्स चेंजिंग लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल स्टे देयर ना ठीक है तो बॉन्ड के सोजन से क्या होता है सरकार पैसा मार्केट से लेती है ये एक तरीका है अब अब हम लोग समझेंगे ऑयल बॉन्ड आप एक चीज जानते हैं हमने एक पहले भी एक सीरीज बनाई है ऑयल इकोनॉमी पे। आप उसको भी देखिएगा उसमें भी बहुत सारा डिटेल डिस्कशन है कि प्राइस कैसे फ्लक्चुएट करता है भारत जो है इंडिया जो है इंडिया में डोमेस्टिकली पेट्रोलियम जो है क्रूड ऑयल जिसे कहते हैं वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होता है हम मैक्सिमम मोर देन एटी परसेंट 80 प्रतिशत से ज्यादा हमारा जो अपना कंजम्पशन है वो हम विदेश से खरीदते हैं मतलब कि इंपोर्ट करते हैं खरीद के लेके आते हैं बाहर से तो बाहर का प्राइस जब फ्लक्चुएट करता है तो इम्पैक्ट कहां पे पड़ता है हमारे अपना भी प्राइस में इंपैक्ट पड़ता है ये सब लोग आमतौर पे लोगों को पता है कि इंडिया इंपोर्ट करती है ऑयल ठीक है अब इंपोर्ट करती है तो अगर इंटरनेशनल प्राइस बढ़ गया तो भाई हमारे यहां भी पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ जाता है कहीं पे भी यही होगा रूल क्योंकि हम बाहर से ही सौ रुपए का सामान खरीद रहे हैं और साठ रुपए में बेच रहे हैं वो तो पॉसिबल नहीं है ना तो सौ रुपए का सामान अगर आप खरीद रहे हैं तो आप कुछ प्रॉफिट भी जोड़ के एक सौ दस रुपए में बेचेंगे तो पेट्रोल डीजल की कहानी यही है क्योंकि बाहर का मार्केट में ऊपर जाता है प्राइस तो यहां पर भी आ, इंडिया में भी ऊपर जाता है तो अब क्या है कि भारत सरकार पहले आप यहां पे देख सकते हैं कि 2010 से पहले ठीक है 2010 से पहले जो प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो भी डीजल पेट्रोल जो भी आप जानते हैं ठीक है उनका प्राइस जो था वो रेगुलेटेड प्राइस था मतलब गवर्नमेंट एडमिनिस्टर्ड प्राइस था 2010 से पहले गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेड प्राइस था अब गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेड प्राइस होता क्या है मतलब कि सरकार डिसाइड करती है कि कितना प्राइस होगा ठीक है अब उसी टाइम में अब यह देखा गया कि 2005 से 2010 तक ठीक है 2005 टू टू ओके इस बीच में पांच से दस ये जो पांच साल था जो ऑयल की की कीमत थी इंटरनेशनल मार्केट में वो बहुत भाग गया मतलब हंड्रेड डॉल हंड्रेड डॉलर पर बैरल से ऊपर भाग गया ठीक है बहुत महंगा हो गया 130 तक पहुंच गया था अब है तो प्राइ इंटरनेशनल प्राइस बहुत महंगा है अब उतना ही महंगा में अगर भारत में बेचेंगे तो यहां पे तो कुछ चल ही नहीं पाएगा गरीब देश गरीब कंट्री है ठीक है तो हमें क्या कर सरकार क्या करती थी सरकार जो है सब्सिडी देती थी एक मतलब की सर्टेन हेल्प देती थी कि भाई कोई बात नहीं सरकार अपने बजट से निकाल के कुछ पैसा दे देगी ताकि प्राइस में बीच में गैप जो है उसको भरा जा सके क्योंकि बहुत महंगा देंगे अगर आप तो फिर नॉर्मल पब्लिक को क्या होगा दिक्कत होगा तो इस दौरान इस दौरान गवर्नमेंट ने क्या गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट था तो सब्सिडी सब्सिडी दिया गया बहुत सारा सब्सिडी दिया गया ठीक है अब आगे का बताता हूं मैं फिर वापस आऊंगा फिर क्या हुआ 2010 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट थे बोले कि इनफ इज इनफ अब जो है हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि बार बार इतना सारा पैसा हम उसमें डालें अब जो है सरकार को अब जो है लोगों को बर्डन खुद उठाना पड़ेगा अगर इंटरनेशनल प्राइस बढ़ेगी तो लोगों पे भी डायरेक्ट बर्डन आएगा ठीक है घटेगी तो लोगों को भी फायदा होगा यह सोच के ये चीज किया गया तो 2010 में सबसे पहले पेट्रोल को डी रेगुलेट किया डी रेगुलेट मतलब सरकार उसमें इंटरवीन नहीं करेगी ओके जो इंटरनेशनल प्राइस है जो फॉर्मूला है उसी पे निर्धारित होगा ठीक है चलिए फिर मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट गया और अभी जो जो गवर्नमेंट है हमारा मोदी जी का गवर्नमेंट मोदी जी का गवर्नमेंट आया उन्होंने पेट्रोल को किया था अब ध्यान दीजिएगा पेट्रोल का जो कार होता है मोस्टली वो लोग एक, जो लोग अमीर लोग हैं वही लोग कार में यूज होता था लेकिन डीजल जो है ध्यान दीजिएगा डीजल जो है वो आपको इसमें यूज होता है ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है जितने भी बस हैं ट्रक हैं या फिर रेलगाड़ी भी बहुत सारा है जो डीजल से ही चलता है ठीक है तो डीजल इंजन बहुत मतलब ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है तो मोदी जी ने क्या किया डीजल को भी डीरेगुलेट कर दिया और आज के समय में क्या है जून 2017 से नया एक सिस्टम स्टार्ट हुआ पहले 14 दिन में एक दिन प्राइस आ, रखा जाता था लेकिन बाद में इसको चेंज करके एक 2017 में नियम बनाया गया कि हर दिन सुबह सिक्स ए एम पे ऑटोमेटिकली प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है जो इंटरनेशनल रहता है वही चीज ऊपर नीचे हो जाता है 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 ठीक चलिए यहां यहां तक तक तो हम जान स्टोरी अब कि हमने बताया कि अभी जो है आज के डेट में हर दिन सुबह छह बजे क्या होता है पेट्रोल और डीजल का प्राइस डिसाइड होता है दिन भर वही रहता है फिर नेक्स्ट दिन छह बजे फिर डिसाइड होता है तो ऊपर नीचे हर दिन आप देखेंगे अलग अलग रहता है ठीक चलिए अब जो है कि 2010 से पहले की कहानी है तो 2005 से लेकर 2010 तक क्या हुआ हमने कहा कि गवर्नमेंट रेगुलेट करती थी अब जो ओ कंपनी है ऑयल मार्केटिंग कंपनी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आप देखते होंगे पेट्रोल पंप जो है वो क्या है किसी कहीं पे आप देखेंगे इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है कहीं पे आ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का एचपीसीएल का पे, पेट्रोल पंप है तो वो लोग कौन है वो लोग है ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो कि ऑयल वहां से खरीदती है और यहां पे डिस्ट्रीब्यूट करती है कहां से खरीदती है विदेश से मोस्टली सऊदी अरेबिया कतर जहां पे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है वहां से निकालते हैं हम और यहां पे ये यह लोग सेल करते हैं अब वहां तो 2005 से 2010 तक हमने कहा कि बहुत महंगा था हंड्रेड बैरल से ऊपर था वन क्रॉस कर गया था इनफैक्ट इतना महंगा प्राइस खरीद रहे हैं और यहां पे उस टाइम आप याद करिए अभी अभी फिलहाल में 70, 80 पर बैरल प्राइस पड़ता है 70, 80 पर बैरल प्राइस पड़ता है इंटरनेशनल मार्केट में जो कि 130 डॉलर से तो डेफिनेटली कम है या 100 डॉलर से डेफिनेटली कम है लेकिन अगर 2004 चार में जाएंगे पांच में जाएंगे तो डीजल पेट्रोल का प्राइस क्या हुआ करता था पैंतीस रुपये चालीस ओके पचास रुपए साठ रुपए रख लो कोई दिक्कत नहीं है समस्या नहीं है कुछ भी रखो लेकिन अभी सौ रुपए है इंटरनेशनल कम है लेकिन यहां पे प्राइस क्या है सौ रुपए है कुछ तो मामला रहा होगा ना तो उस टाइम में जब इतना ज्यादा प्राइस चल रहा था तो भारत सरकार को बहुत बर्डन पड़ रहा था कि भाई क्या करें क्या करें इतना सारा पैसा कहां से दें भारत सरकार के पास पैसा नहीं था ओके और इसी टाइम एक क्राइसिस हुआ था जिसको बोलते हैं 2008 में हुआ था ठीक है जिसको बोलते हैं ग्रेट रिसेशन। अमेरिका में जबरदस्त इकोनॉमी मंदी आ गई क्राइसिस आ गया जिसका इंपैक्ट पूरा वर्ल्ड पे पड़ा पूरा वर्ल्ड पे इंपैक्ट पड़ा और पूरा वर्ल्ड वो उस जो दो तीन साल रहा बड़ा ही स्ट्रेस में रहा तो वो, एक, वो समय भी था ठीक है तो और भारत सरकार पैसे नहीं है ट्रेड नीचे जा रहा है सब प्रॉब्लम था तो भारत सरकार ने बोला OMC को ठीक है ऑयल मार्केटिंग कंपनी को कि देखो भाई एक साथ तो मैं पैसा नहीं दे सकता जो तुम मांग रहे हो कि बीस हजार करोड़ रुपया दे दो पंद्रह हजार करोड़ रुपया दे दो, उतना तो हम मैं नहीं दे सकता और कंप्लीट डीरेग्युलेट भी नहीं कर सकता हूं क्योंकि प्राइस बहुत जो महंगा हो जाएगा नॉर्मल कस्टमर के लिए वी डोंट वांट टू डू तो बोला लेकिन हम अपना धंधा कैसे चलाएंगे फिर ओ ने बोला कि आप तो फिर बोलो हम बंद कर देते हैं हम कैसे धंधा चलाए अगर आप पैसे ही नहीं दोगे तो हम महंगा में खरीदे और सस्ते में बेचे ये तो कोई बिजनेस ही नहीं हुआ तो आप बोलो हम हम बंद कर देते हैं अपना दुकान तो गवर्नमेंट बोला नहीं 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 बेटा बंद नहीं करना तू ठीक है तो बोला क्या करेंगे फिर तो बोला जो ऐसा करते हैं हम कि ऑयल बॉन्ड इश्यू कर देते हैं ठीक है भारत सरकार को पैसा देना था किसको ओएमसी को पैसे थे नहीं भारत सरकार के पास फिजिकल बर्डन हो जाता अगर दिया जाता तो उन्होंने बोला कि मैं एक ऑयल बॉन्ड तुम्हें दे देता हूं कि तुम को ये मैं बॉन्ड देता हूं हर साल तुम्हें मैं इंटरेस्ट भी दूंगा सात परसेंट आठ परसेंट साढ़े आठ परसेंट पौने नौ परसेंट समथिंग लाइक दैट इंटरेस्ट विल बी गिवन टू यू एंड दस साल बाद फिर तुम आना और मैं तुम्हें जो भी मैच्योरिटी पीरियड है ठीक है 2005 में जो इशू किया गया उसे 2021 में रिडीम किया जाएगा ठीक है तो मतलब 15 साल का बॉन्ड इशू किया गया था क्या आप उतना में आना और मैं आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी दे दूंगा तो इन्होंने भी बोला कि यार बात भी सही है सरकार को भी बहुत बड़ा दिक्कत है और हमें पैसा बाद में फ्यूचर में तो रियलाइज हो जाएगा फ्यूचर में तो हमारे पास पैसे आ जाएंगे अभी जो है हर साल क्या होगा हमें इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा तो कोई बुरी बात नहीं है ओएमसी ने बोला ठीक है भाई मैं करता हूं मनमोहन सिंह जी आई विल एक्सेप्ट दिस प्रपोजल तो वो चीज प्रपोजल उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ठीक है तो भारत सरकार ने 2005 से 2010 तक ओके ढेर सारा बॉन्ड इश्यू किया टू द ट्यून ऑफ 1.3 लाख करोड़ 1.3 लाख करोड़ से अधिक का बॉन्ड भारत सरकार ने पांच साल का जो पीरियड था उसमें इशू किया पांच साल का पीरियड में 1.3 लाख करोड़ से ऊपर का किया ठीक है अब उसका जो पेमेंट देना है कौन सा इंटरेस्ट तो हम 2000 इंटरेस्ट तो हम दे ही रहे थे हर साल उनको इंटरेस्ट दे रहे थे दे रहे थे दे रहे थे लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमें 2021 से देना स्टार्ट करना पड़ेगा टू से स्टार्ट हो जाएगा हमारा ये उस बॉन्ड का पेपर में कंडीशन था मच्योरिटी पीरियड का कि 2021 से आप को प्रिंसिपल अमाउंट भी देना पड़ेगा सिर्फ इंटरेस्ट नहीं इंटरेस्ट तो पहले आप दे रहे हो लेकिन उसके बाद आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी लौटाना पड़ेगा ठीक है तो अच्छी बात है कोई नहीं तो सरकार को इमीडिएट लेवल पे 2010 2011 में बर्डन नहीं आया फाइनेंशियल बर्डन ठीक है लेकिन उसके बाद 2021 के बाद बर्डन तो आएगा तो अगर फाइनेंस मिनिस्टर हमारी कह रही है इफ मैडम फाइनेंस मिनिस्टर सेज दैट वी कैन नॉट रिड्यूस द प्राइस ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है बिकॉज यूपीए गवर्नमेंट हैज इश्यूड द ऑयल बॉन्ड टू द ट्यून ऑफ वन पॉइंट थ्री लैख तो वो भी एक तरह से सही कह रही है लेकिन कहां तक यह सच्चाई है यह भी हमें इन्वेस्टिगेट करना होगा ठीक है तो चलिए यह तो कहानी हमने बताया आपको ऑयल बॉन्ड 2005 से 2010 में तक इशू किया गया था कितना 1.3 लाख करोड़ से अधिक का जिसमें कि इंटरेस्ट हर साल दी जा रही थी और इंटरेस्ट तो दी जा रही थी अच्छी बात है और मेच्योरिटी का डेट कब से स्टार्ट होगा 2021 से तो इस साल से सरकार उसे रिडीम भी करना शुरू कर दी है ठीक है यहां तक हम स्टोरी समझ गए आग अब इसके आगे का स्टोरी समझते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान रखिएगा हमने क्या कहा कि 1.3 प्लस कर देता हूं लाख करोड़ जो है क्या कर दिया हमने ऑयल बॉन्ड इश्यू किया था पांच साल में जिसको कि वापस करना है जिनसे लिया था उनको वापस करना है कि नहीं करना है कंडीशन था बॉन्ड का बॉन्ड लैप्स नहीं कर सकता है तो भारत सरकार को वापस करना है लेकिन अब सोचते हैं अब समझते हैं कि हमने कहा था कि जब 2005 से 2010 का अगर आप रेट देखेंगे ठीक है ऑयल का प्राइस तो ऑयल का प्राइस अच्छा खासा ऊपर था आज ऑयल का प्राइस उतना ज्यादा नहीं है लेकिन प्राइस हमारा दुगुना है समझना पड़ेगा क्यों तो अब देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पैसा हर साल आता है ठीक है और स्टेट गवर्नमेंट को कितना पैसा हर साल आता है पेट्रोल या डीजल का प्राइस पे टैक्स लगाने के बाद पेट्रोल या डीजल प्राइस का टैक्स लगाने के बाद नियर अबाउट ट्वेंटी थर्टी टू रुपीज बत्तीस रुपए भारत सरकार टैक्स लगाती है हर एक भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट जोड़ लोगे तब तो, तो अलग है नॉर्मली जो प्राइस है वो फोर्टी एट रुपीज ध्यान से सुनिएगा अड़तालीस रुपए एट मैक्स सब कमीशन सब चीज देने के बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हर चीज कमीशन वमीशन काटने के बाद प्राइस अड़तालीस रुपए ही पड़ता है भारत में पेट्रोल का अब उसके ऊपर जितना भी रुपए आप देते हैं वो सब आइदर भारत सरकार का टैक्स है या फिर स्टेट गवर्नमेंट का वैट है स्टेट गवर्नमेंट क्या लगाती है वीएटी वैल्यू एडेड टैक्स ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है एक्साइज ठीक है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 2016 में कितने रुपए आए अगर हम देखें कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने रुपए आए ठीक है तो अभी आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट मिलेगा कि 2016 और ये भारत सरकार का ही रिपोर्ट है ये मैंने नहीं बनाया भारत सरकार खुद कहती है कि हमें पेट्रोल और डीजल पे ड्यूटी लगा के दो लाख तिहत्तर हजार दो सौ पच्चीस करोड़ रुपए आया 2.73 करोड़ से अधिक रुपए भारत सरकार को आया स्टेट गवर्नमेंट सब स्टेट गवर्नमेंट मिलाकर कितना आया लाख करोड़ इतना पैसा आ रहा है ठीक है सोलह में इतना पैसा कमाया सत्रह में टू लाख करोड़ कमाया 19 में 2.87 करोड़ लगाया और 2020-21 में जो प्रोजेक्टेड है एग्जैक्ट डेटा अभी नहीं आया है कुछ दिन बाद आएगा ठीक है जब बजट का डॉक्यूमेंट आएगा या पेट्रोलियम और नेचुरल गैस डिपार्टमेंट का अपना ये आएगा रिपोर्ट आएगा तो उसमें प्रोजेक्टेड है कि 4.18 लाख करोड़ सरकार को बेनिफिट होगा किससे टैक्स से टैक्स से सरकार को बेनिफिट होगा चार लाख अट्ठारह हजार करोड़ अब सूची कितना ज्यादा है हमें पे करना है सिर्फ 1.3 लाख करोड़ और हम इकट्ठा कर रहे हैं इतना मतलब कि भारत सरकार जो है जो टैक्स लगा रही है वो बहुत 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 ज्यादा है पेट्रोल या डीजल पे 48 एट है मैक्सिमम 60 रुपीज तक पहुंचना चाहिए था 70 तक पहुंचना चाहिए था लेकिन 100 है इसका मतलब है कि भारत सरकार ने जानबूझ के बहुत ज्यादा टैक्स पेट्रोल पे लगाया है या डीजल पे लगाया है ठीक है इसीलिए भारत सरकार को हर साल आप सोचो तो चार लाख अट्ठारह हजार करोड़ रुपए आ रहे है। अब है कि हमने पहले कहा था कि बॉन्ड पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा और मच्योरिटी के बाद प्रिंसिपल अमाउंट भी चुकाना पड़ेगा तो अब सवाल आता है कि 2016 में इंटरेस्ट कितना दिया गया था तो 2016 में 9000 9989 करोड़ रुपया मैं इसको बोल देता हूं 9000 क्या दस हजार में बोल देता हूं चलो इजी करते हैं दस हजार करोड़ भारत सरकार ने क्या दिया बॉन्ड के लिए इंटरेस्ट रेट दिया लेकिन भारत सरकार ने एक्चुअली टैक्स लगा के कमाया कितना दो लाख तिहत्तर हजार को कमाया और दस हजार करोड़ रुपया दिया तो कोई कोई अमाउंट है ये इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है ये अब है अब बीस इक्कीस में जब हम कह रहे हैं कि चार लाख अट्ठारह हजार करोड़ रुपए लगभग भारत सरकार को आएगा ठीक है और उस टाइम में भी आप दस हजार करोड़ रुपए ही इंटरेस्ट दे रहे हैं सालाना तो आप सोचो चार लाख अट्ठारह हजार करोड़ में से दस हजार करोड़ निकाल दो जब भी चार लाख आठ हजार करोड़ रुपए भारत सरकार के पास बचा स्टेट गवर्नमेंट तो छोड़ो भारत सरकार के पास बचा इमेजिन और ये डेटा हम मैरन मैंने अपने से नहीं बनाया ये डेटा निकाला गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से और ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का जो रिपोर्ट है उससे निकाला हुआ डेटा है इसका मतलब है मैडम फाइनेंस मिनिस्टर जो कह रही है उसमें कंप्लीट सच्चाई नहीं है सच्चाई है थोड़ी बहुत लेकिन कंप्लीट सच्चाई नहीं है जब यूपीए गवर्नमेंट थी तब बावन करोड़ रुपए मात्र आता था सरकार को टैक्स से लेकिन आज के डेट में पेट्रोल और डीजल पे जो टैक्स है उससे चार लाख अट्ठारह हजार करोड़ रुपए आता है आप सोच लीजिए कितना अधिक बढ़ गया बहुत ज्यादा आपका इंक्रीमेंट हुआ है ऑल राइट चलिए इसके आगे देखते हैं आप अब, अब देखिए हमने कहा कि टोटल अपने को जो चुकाना है भारत सरकार को जो बॉन्ड का तो इंटरेस्ट तो आपने देखा कि हर साल लगभग दस हजार करोड़ रुपए मान लेते हैं कि सरकार वापस कर रही थी कर रही थी कर रही थी ठीक है लेकिन कमा भी बहुत भारत सरकार रही थी चार लाख अठारह हजार करोड़ रुपए कमाया सोचो अब जो है कि 2021 से जब रीपेमेंट शुरू होगा 2021 से जब रीपेमेंट शुरू होगा तो एट दैट टाइम टोटल हमको देना है इतना प्रिंसिपल इतना अमाउंट देना है एक लाख तीस हजार करोड़ फाइन अब देखते हैं कि एक लाख तीस हजार करोड़ तो है चलिए अच्छी बात है तो, तो यहां पे 2021 में जो आपने टोटल रुपए जो आप दोगे ठीक है वो कितना दोगे मात्र पांच हजार करोड़ रुपए 2025 में दोगे ग्यारह हजार करोड़ और 2026 में दोगे दस हजार करोड़ रुपए सरकार को सोचो आता कितना है चार लाख चार लाख से करोड़ से ज्यादा आप टैक्स से कमाते हैं पेट्रोल डीजल पे और हम जो जो सरकार को जो पे करना है वो सोचो देखो कितना इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है दिस इज इनसिग्निफिकेंट अमाउंट इन दैट सेंस तो मतलब कि मैडम फाइनेंस मिनिस्टर जब ये कहती है तो उसमें कंप्लीट सच्चाई नहीं है अब मैं आपको और सिंप्लीफाइड एक चीज बताता हूं ठीक है कि हमारा जो कंजम्पशन है 2020 21 का जो कंजम्पशन है टोटल पेट्रोल हमने जो कंज्यूम किया है पूरा भारत ने सब मिला के वो किया है 27.95 मिलियन टन्स और डीजल जो हमने किया है वो 72.72 मिलियन टन्स हम क्या करते हैं कंज्यूम करते हैं तो सब मिला के हो गया ग्यारह हजार करोड़ लीटर्स भारत क्या किया है 2020-21 में कंज्यूम किया है ठीक है अब ऑयल का रीपेमेंट के लिए जो हम लोग एक साल में देते हैं हमने क्या कहा था मान लो कि दस हजार करोड़ रुपए आप देते हो मैंने राउंड फिगर कर दिया था टेन थाउजेंड करोड़ रुपए आप देते हैं तो असल में जो आप जो भारत सरकार जो टैक्स लगाई है वो एवरेज टैक्स है बत्तीस रुपए देखो थर्टी टू पॉइंट नाइन भारत सरकार अगर आप पेट्रोल का कीमत के बारे में बात करेंगे तो पेट्रोल अगर सौ रुपए है अगर सौ रुपए है तो उसमें बत्तीस दशमलव नौ मतलब तैतीस रुपए रख लो 33 रुपए भारत सरकार को जाता है सौ रुपए में से 33 रुपए भारत सरकार लेती है इसीलिए इंडिया में जो ऑयल का प्राइस है अगल बगल नेबर है जो हमारा बेस्ट फ्रेंड पाकिस्तान है ठीक है और एक अभी नया फ्रेंड और पैदा ले लिया है अफगानिस्तान उनका प्राइस भी फिफ्टी सेवन है हर देश का हमारे अगल बगल देश का प्राइस कम है क्यों क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तैतीस रुपए के आसपास टैक्स लगा देती है और ऑयल बॉन्ड का अगर एक लीटर के हिसाब से देखा जाए तो मात्र एक रुपए ही खर्च होता है एक लीटर पे ऑयल बॉन्ड में तो डेफिनेटली ऑयल बॉन्ड तो बर्डन दिया हमें लेकिन जो सरकार कह रही है कि उसी के कारण से हम प्राइस नीचे नहीं कर सकते हैं यह सरासर गलत चीज है ऑयल का प्राइस घट सकता है अब सरकार क्यों नहीं घटाती है यह सरकार जाने ठीक है सरकार को भी लाइबिलिटी रहता है कहीं ना कहीं से तो पैसे चाहिए ना सरकार को चलाने के लिए कॉरपोरेट टैक्स को आपने कम कर दिया है तो कॉर्पोरेट से मान लीजिए डायरेक्ट टैक्स कम हो आता है तो कहीं ना कहीं से तो कंपनसेशन करना होगा ना तो यह एक हो सकता है कि जरिया कंपनसेशन का हो लेकिन एक चीज हमें समझना चाहिए कि गवर्नमेंट चलाना इतना आसान नहीं होता बड़ा कठिन होता है ठीक है बहुत सारा िटीज रहता है जिसको कि हमें ध्यान देना पड़ता है उस पर अमल करने होते हैं सो मेनी थिंग्स आर देयर इट इज नॉट इजी टू रन अ गवर्नमेंट इज नॉट एन ईजी जॉब इट इज अ अर्क्यूलियन बेहमोथ टास्क ओके और सरकार को धीरे धीरे मूव करना चाहिए इलेक्ट्रिक इकोनॉमी पे इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा यूज करें और वो जो इलेक्ट्रिसिटी है जैसे आज के डेट में आप लोग देखते होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल निकल गया टाटा निकाल रहा है सब सब लोग निकाल रहा है तो हमें इनकरेज करना चाहिए जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक व्हीकल आए उससे बहुत सारा फायदा एक तो ग्लोबल वार्मिंग वाले में इशू जो होता है इतना पोल्यूशन आप क्रिएट करता है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री वो पोल्यूशन बहुत सब्सटेंशियली डाउन हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से अगर चलेगा तो पॉल्यूशन अगर देखा जाए तो इनसिग्निफिकेंट है ठीक है वो कम हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड या और भी जो भी गैसेस निकलते थे वो घट जाएगा ग्रीन हाउस का इंपैक्ट हो सकता है थोड़ा कम हो जाए दूसरा चीज कि हमारा जो डिपेंडेंसी है दो विदेश पे 80 85 परसेंट हम वहीं से इंपोर्ट करते हैं वो भी घट जाएगा अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यहीं प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए एक ये भी सवाल है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमें मेजर फोकस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शिफ्ट हुआ है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हुआ है ठीक है रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी विंड एनर्जी उसके बाद आपका हाइडल पावर जो है वो भी या इस तरह का बहुत सारा मेथड हम लोग एडॉप्ट कर रहे हैं जिससे कि अपना डिपेंडेंसी जो है ऑयल पे कम हो ऑयल पे कम होगा तो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा और हमारा जो इकोनॉमी है सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी जिसे बोलते हैं ना आत्मनिर्भर भारत तो आत्मनिर्भर भारत टोटली बनने के लिए हमें इस ओर शिफ्ट करना होगा जिस पे की गवर्नमेंट काम भी कर रही है और गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है एज फार एज इनर्जी सेक्टर इस कंसर्न मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि सरकार कर क्या रही है और उससे फायदा कितना होगा तो ये रहा पूरा कहानी ऑयल बॉन्ड का आप लोगों को मेरे समस्या समझ में आया होगा सो थैंक यू थैंक यू वेरी मच